नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वैशाली जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह का वैशाली के लालगंज लंगड़ी पाकर गाँव में नागरिक अभिनंदन किया गया, जहाँ गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। काफ़ी लोग मंत्री जी के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए बेताब दिखे। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नवादा में शराब से मौत मामले पर कहा कि बिहार में बहुत सारे मामले अपराध के हैं, क्या वह रुक गए? आप लोगों को देखना चाहिए कि हमारा शराबबंदी का प्रयास गलत है या सही। आप यह भी देखें कि घटनाएं होती हैं तो कार्रवाई भी होती है, हत्या भी अपराध है, लेकिन क्या बिहार में हत्या रुक गया है? हमारा उद्देश्य होता है कि अगर घटनाएं होती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, सीआरपीसी के नारा के तहत तो हत्या भी एक जुर्म है, लेकिन हत्या हुआ है, हत्या हो रही है। इस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि कोई जुर्म को जब बंद कर दिया पूरी तरह से, वो अभी ये शुरुआत हुई है हमारे बिहार, लेकिन आप देख लेंगे ये एक अच्छी शुरुआत है कि नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ बिहार की जनता से, ये एक अच्छी शुरुआत है कि नहीं? और इस तरह की अगर कहीं कोई शिकायत आती है तो मुफ्त एक टोल फ्री नंबर अब ये दे दिया गया है, अब उस नंबर पर फ़ोन करें, आपकी जानकारी जो है बिल्कुल गुप्त रहेगी। और उन सब जो भी मतलब इस तरह जो शराब पी रहे होंगे या जो शराब के कारोबारी होंगे उन पर भी कार्रवाई। वहीं उन्होंने मधुबनी हत्या मामले पर कहा कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारी सरकार और खासकर हमारे मुख्यमंत्री कार्रवाई से कभी पीछे नहीं हटते। हिंसा तो बहुत दुखद हुआ, जो घटना घटी है बहुत दुखद घटना घटी है, लेकिन उसमें सिर्फ एक रूप दिखाया जा रहा है, आप लोग उसके दूसरे रूप को भी दिखाएं। उसमें जितने भी अपराधी हैं सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं वहाँ गया नहीं, लेकिन मैं लगातार वहाँ के सभी पदाधिकारियों के साथ अपना संपर्क बनाए हुए हूँ, और बनाने के बाद मैं वहाँ पर पूरी जानकारी ले चुका हूँ। कल भी हमारे वहाँ पे पुलिस अधीक्षक से बात हुई है, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि वहाँ पे जो भी अपराधी थे उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। रही बात उसके उनके परिवार के पालन पोषण की, तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं, उसमें हम लोग बात करेंगे। हमारी सरकार इसके लिए संवेदनशील है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी इन सब चीज़ों के प्रति पूरी तरह से चिंतित रहते हैं। बंगाल चुनाव में उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम पकड़े जाने मामले पर मंत्री जी ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वहीं उन्होंने बंगाल चुनाव जीतने का दावा भी किया। देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं इस बारे में अभी कुछ जानता नहीं हूँ। इसके बारे में जब तक मेरे पास पूरी जानकारी नहीं रहेगी मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। और असम का मामला है, मैं भी उस मामले में पूरा कोई जब तक कोई ठोस जानकारी नहीं होगी मैं कुछ नहीं। ऐसा बंगाल चुनाव पर जो है जिस प्रकार का हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? बंगाल चुनाव में जनता जिनके साथ रहेगी वो चुनाव जीतेंगे। बिहार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में प्लेसमेंट सेल बनाने मामले पर विभाग के मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि कई सारे देशी और विदेशी कंपनियों के साथ बात हुई है, वह यहाँ के बच्चों को स्किल्ड करेंगे और बाद में उन्हें प्लेसमेंट भी दिया जाएगा या उनके लिए रोजगार के रास्ते आसान किए जाएंगे। वहीं उन्होंने बिहार के ग्रामीण इलाकों के तकनीकी तौर से दक्ष बच्चों के लिए जानकारी दी है कि कोई भी छात्र या छात्रा इनोवेशन करता या करती है तो देश, समाज और राज्य हित में अगर वो होगा और उनकी टेक्नोलॉजी सही होगी तो उन्हें इनाम के तौर पर सरकार 3 लाख रुपए इनाम देगी। हालांकि यह प्रावधान पहले से है, लेकिन इस बात की जानकारी बिहार के बच्चों को नहीं थी। ये जानकारी उनके लिए काफ़ी हितकर साबित होगी। देखिए, प्लेसमेंट सेल की शुरुआत हो रही है, प्लेसमेंट सेल पहले भी मतलब लोगों ने चाहा था, लेकिन 6 तारीख से आप देखेंगे कि हम लोग एक MOU करने जा रहे हैं। जी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, और उस कंपनी के साथ हम लोग का ये टाई अप होगा ताकि यहाँ के बच्चों को वो स्किल्ड करें और फिर बाद में हम लोग का जो भी प्लेसमेंट का मामला हुआ। इसके अलावा भी कई कंपनियाँ हैं जैसे SCL है, CCS, इन सभी कंपनियों से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और प्लेसमेंट के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ लिख लें, जो अच्छे से जिनकी तैयारी पूरी हो जाए उनको हम लोग वहाँ पे उनके प्लेसमेंट की बात करें। 3 लाख रुपए के वजीफे की क्या योजना है आपके विभाग? 3 लाख के वजीफे की योजना ये है कि आप देखते हो गांव-गांव में कुछ बच्चे जो अनोखा उपयोग करते हैं, कुछ अपने यंत्र से कुछ नया नया साइंटिफिक काम करते हैं, तो उसके लिए यहाँ के युवाओं को पता नहीं होगा उसके लिए क्या है, लेकिन कोई भी नया अनोखा कुछ काम होगा किसी भी युवाओं के द्वारा तो उसको 3 लाख रुपये हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा।
अभी जो देखा गया है इंजीनियरिंग करके काफी जो है बेरोजगार युवा है, उसके लिए सरकार बिहार सरकार क्या करे, क्या किसी प्रकार का जो है योजना है जो कि उनको जो है रोजगार? मैंने बताया प्लेसमेंट सेल की बात उसी पे बात हो रही है कि जो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उनके लिए हम लोग मतलब वही बाहर की जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उनको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं वो यहाँ के आके हमारे बच्चों को देखें, और वो अन्य जगह भी जाते हैं वो कैंपस सेलेक्शन के लिए, बिहार में भी आके कैंपस सेलेक्शन के लिए।